जब मनुष्य की दुष्टता और पाप इतने बढ़ गए कि परमेश्वर के लिए उन्हें देखना असहनीय हो गया, तो उसने सारे प्राणियों को नष्ट करने का निर्णय लिया। आज भी हम सारी दुनिया में ऊंचे ऊंचे पर्वतों और गहरी खाइयों की चट्टानों में उनके अवशेष और जीवाश्म देख सकते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि उन्हें परमेश्वर के भयंकर न्याय के द्वारा नष्ट कर दिया गया था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि जब वह अगला न्याय करेगा तो आग से सबको नष्ट करेगा। नए नियम में हम पत्रस के दूसरे पत्र में पढ़ते हैं, परमेश्वर का दिन चोर के समान आएगा। उस दिन आकाश बड़ी गर्जन के साथ मिट जाएगा, सारे तत्व बहुत ही गर्म होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर किए गए सारे काम जल जाएंगे। जब मनुष्य पृथ्वी के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और यहोवा परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर हर जगह मनुष्य की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उसके मन में उठने वाला हर विचार केवल बुरा ही होता है, तो यहोवा परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य बनाने पर बहुत दुखी हुआ और उसके मन को बहुत कष्ट पहुंचा। तब यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा और मनुष्य से लेकर हर पशु, हर रेंगने वाला जंतु, आकाश का हर पक्षी सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मुझे दुख है कि मैंने उनको बनाया। परंतु नूह पर यहोवा परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि रही। नूह अपने समय के लोगों में धर्मी और निर्दोष व्यक्ति था और वह परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। और नूह के तीन पुत्र भी थे, शेम, हाम और येपेत। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में भ्रष्ट हो गई थी और हिंसा से भर गई थी। और जब परमेश्वर ने देखा कि सारी पृथ्वी ही भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि सभी मनुष्यों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, मैंने निर्णय कर लिया है कि सब मनुष्यों का अंत कर दूं, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी दुष्टता से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी पर से नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना, उसमें कोठरियां बनाना और अंदर बाहर उस पर राल लगाना और उसको इस तरह से बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज में एक तरफ एक दरवाजा रखना, और जहाज में तीन तल बनाना, निचला, बीच का और ऊपर का। और अब मैं पृथ्वी पर जल प्रलय ला रहा हूं, जिससे हर प्राणी जिसमें जीवन की सांस है आकाश के नीचे से नष्ट हो जाए और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएं। परंतु मैं तेरे साथ प्रतिज्ञा करता हूं, इसलिए तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं सहित जहाज में जाना, और सभी जीवित प्राणियों में से तू हर एक जाति के दो दो, अर्थात एक नर और एक मादा ले जाकर जहाज में अपने साथ जीवित रखना, हर एक जाति के पक्षी और हर एक जाति के पशु और हर एक जाति के रेंगने वाले सब जंतुओं में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और तू सब तरह की भोजन वस्तु जो खाई जाती है उसको लेकर अपने पास इकट्ठा कर लेना, उसको अपने और उनके भोजन के लिए प्रयोग करना। और नूह ने वैसा ही किया, जैसी परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसने ठीक वही किया। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने के साथ जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। अब से 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाऊंगा, और जितनी वस्तुएं मैंने बनाई हैं सबको भूमि पर से मिटा दूंगा।
नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं के साथ जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में चला गया। हर तरह के जीव जंतुओं, पशु पक्षियों में से दो दो अर्थात नर और मादा नूह के साथ जहाज में गए, जैसे परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। तब यहोवा परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। 7 दिन के बाद प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। 40 दिन और 40 रात लगातार पृथ्वी पर वर्षा होती रही और इस तरह पृथ्वी की सतह पर पानी बढ़ता चला गया, जिससे जहाज ऊपर उठने लगा और वो भूमि पर से ऊंचा उठ गया। फिर जल बढ़ते बढ़ते बहुत ही बढ़ गया तो जहाज जल के ऊपर तैरने लगा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारे आकाश के नीचे धरती पर जितने बड़े बड़े पर्वत थे सब डूब गए। जल 15 हाथ और ऊपर बढ़ गया और पर्वत भी डूब गए और पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणी, चाहे वे पक्षी हों या पालतू पशु या जंगली पशु, और जितने भी जीव जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सभी मनुष्य मर गए। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जीव जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो प्राणी भूमि पर थे, वे सब पृथ्वी पर से मिटा दिए गए। केवल नूह और जितने उसके साथ जहाज में थे वे ही बचे। इस तरह जल पृथ्वी पर 150 दिन तक उमड़ता रहा। अब परमेश्वर ने नूह की और जितने जंगली पशु और पालतू पशु उसके साथ जहाज में थे उन सब की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर हवा चलाई और जल घटने लगा और गहरे समुद्र के स्रोत और आकाश के झरोखे बंद हो गए और उससे वर्षा भी थम गई और जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा और 150 दिन के बाद जल का स्तर बहुत कम हो गया। 7वें महीने के 17वें दिन जहाज अरारात नामक पर्वत पर जा टिका और जल 10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन पर्वतों की चोटियां दिखाई देने लगीं। और फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के बाद नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की खोली और उसने एक कौवा बाहर उड़ा दिया। वो इधर उधर तब तक उड़ता रहा जब तक कि पृथ्वी पर से जल सूख नहीं गया। फिर नूह ने अपनी एक कबूतरी को भी उड़ाया, यह देखने के लिए कि भूमि की सतह पर से जल कम हुआ है कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तलवे रखने के लिए कोई जगह ना मिली तो वो उसके पास जहाज में लौट आए, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर अभी भी जल ही जल था। तब नूह ने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया और कबूतरी संध्या के समय उसके पास वापस आ गई और उसकी चोंच में जैतून की एक नई पत्ती थी। इससे नूह समझ गया कि जल पृथ्वी पर से घट रहा है। उसके बाद वह 7 दिन तक और ठहरा और फिर उसने उसी कबूतरी को उड़ाया और वो फिर कभी उसके पास लौट कर न आई। और ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। नूह ने जहाज की खिड़की खोली और देखा कि धरती सूख गई है। और दूसरे महीने के 27वें दिन पृथ्वी पूरी तरह से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ, और पक्षी और पशु और सब तरह के रेंगने वाले जीव जंतु, यानी जितने भी प्राणी तेरे संग हैं,
उन सब को अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनकी संख्या बढ़े, उनके बहुत से बच्चे उत्पन्न हों और वे पृथ्वी भर में फैल जाएं। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं सब जहाज में से बाहर निकल आए, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु, पक्षी और जितने भी प्राणी पृथ्वी पर चलते फिरते हैं वे सब अपनी अपनी जाति के अनुसार जहाज में से निकल आए। नूह ने यहोवा परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर उनकी होम बलि चढ़ा दी। इस पर यहोवा परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। हालांकि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब प्राणियों को अब नाश किया है वैसा उनको फिर कभी नाश नहीं करूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, गर्मी का मौसम और सर्दी का मौसम, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं, आकाश के सब पक्षियों, भूमि पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। वे सब तुम्हारे वश में कर दिए गए हैं। देखो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे बाद जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी प्रतिज्ञा करता हूँ, और सब जीवित प्राणियों में से जो भी तुम्हारे संग हैं, चाहे वे पक्षी हों, पालतू पशु हों या पृथ्वी के सब जंगली पशु हों, अर्थात पृथ्वी के जितने भी प्राणी जहाज में से निकले हैं, सब के साथ भी मेरी यही प्रतिज्ञा है और मैं तुम्हारे साथ अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरी करूंगा कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नाश न होंगे, और पृथ्वी को नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगी। और परमेश्वर ने कहा, प्रतिज्ञा की यह निशानी जो मैं बना रहा हूं वह मेरे और तुम्हारे साथ और सब जीवित प्राणियों के साथ है, प्रतिज्ञा जो आने वाली सब पीढ़ियों के लिए होगी। मैंने बादल में अपना मेघधनुष रखा है, वह मेरे और पृथ्वी के बीच में प्रतिज्ञा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में मेघधनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ और सब जीवित प्राणियों के साथ बंधी है उसको मैं स्मरण करूंगा। जल कभी भी प्रलय के समान सारे प्राणियों का नाश नहीं करेगा। बादलों में जब भी मेघधनुष दिखाई देगा और मैं उसे देखूंगा तो मैं अपने और पृथ्वी के सब जीवित प्राणियों के साथ बंधी अपनी शाश्वत प्रतिज्ञा को याद करूंगा।